लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस चुनावी मौसम की सियासी तपिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनावी तारीख या फिर यूं कहेंगे नतीजों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की जुबान कैंची की तरह चल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत टिप्पणियां और जुबानी तीर छोड़ने का सिलसिला जारी है। 403 सीटों के इस चुनावी खेल को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने देखिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जिन्ना से लेकर गजवाई हिंद और हिजाबी प्रधानमंत्री के बाद अब भगवा रंग की एंट्री हो चुकी है। इस बार भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए यादव परिवार की बहू रानी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भगवा की तुलना लोहे पर लगने वाले जंग से कर डाली। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी पहचान ही भगवा से होती है, उन पर निशाना साधने के चक्कर में डिंपल यादव ये भूल गई कि वो जिस भगवा का अपमान कर रही हैं वो प्रतीक है त्याग, बलिदान, ज्ञान और सेवा का। वो प्रतीक है संयम और आत्मनियंत्रण का, और वो पहचान है देश के साधु संतों और हिंदू धर्म की। दरअसल सिराथू में एक रैली को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए भगवाधारी योगी की तुलना जंग से कर डाली। उनके इस विवादित बयान को बीजेपी ने ना सिर्फ ट्विटर पर शेयर किया है, बल्कि पलटवार करते हुए ये भी लिखा है कि जिस भगवा का अपमान सपा नेता कर रही है वो सनातन धर्म व तप, त्याग, बलिदान का प्रतीक है। महलों में रहने वाले परिवारवादियों को एक भगवाधारी से सिर्फ इसलिए इतनी नफरत है कि वो 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। खास वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा का अपमान नहीं सहेगा यूपी। तो भगवा और डबल इंजन की सरकार पर डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। तो भगवा की तुलना जंग से करना अब डिंपल यादव को भारी पड़ गया है, क्योंकि इस मामले में देश के साधु संतों ने उन पर कड़ी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने तो डिंपल यादव को ना सिर्फ भगवा और लाल रंग में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, ना सिर्फ ये समझाया बल्कि उनके हिंदुत्व पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। देखिए उन्होंने किस प्रकार डिंपल यादव को खरी खोटी सुनाई है। डिंपल जी, आज आपने जो भगवा वस्त्रों को लेकर के कमेंट पास किया, आपकी राजनीति आपको मुबारक हो, लेकिन अपनी समझ को थोड़ा सा विकसित करिए कि भगवा वस्त्र बलिदान का प्रतीक है, कफन बलिदान का प्रतीक नहीं हुआ करता। तो वो लाल कपड़ा, लाल झंडा आपको मुबारक हो। वैसे भी आपने कौन से भारतीय संस्कृति के प्रतीक चिन्ह सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र पहन रखा है जो भारत की संस्कृति से आपको लगाव हो? जैसी करनी वैसी भरनी, भारत के संस्कृति और भगवा वस्त्रों पर यह निंदा आलोचना आपको कितना भारी पड़ेगा आपको अंदाजा नहीं है। तो देश भर के साधु संत की नाराजगी के साथ साथ बीजेपी ने भी डिंपल यादव को जमकर घेरा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ना सिर्फ उनके ज्ञान पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उनके इस विवादित बयान को देश की जनता और संत समाज का भी अपमान बताया है। अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि डिंपल यादव को ना सिर्फ अपना बयान वापस लेना चाहिए बल्कि जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरह डिंपल यादव को भगवाधारी का तिरस्कार करना कितना भारी पड़ेगा, ये तो देखिए चुनावी नतीजे आगे बताएंगे। बहरहाल राम मंदिर निर्माण से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बदलती रंगत को देख देश के साधु संत इस बात की भविष्यवाणी देखिए कर रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो हिंदुओं के हित में काम करेगा, उसी की सरकार इस बार यूपी में बनेगी। और देखिए ना, हाल ही में
मौनी महाराज ने सीएम योगी के जीतने की भविष्यवाणी की थी। हम उन्हीं मौनी महाराज की बात कर रहे हैं जो किसी के शिव योगी हैं तो किसी के लिए रुद्राक्ष बाबा। मौनी महाराज उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा हमेशा से अपने अनोखे अवतार के लिए सुर्खियों में रहते हैं। आप भी देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से कपाल से लेकर तन तक रुद्राक्ष धारण किए मौनी बाबा संत महात्माओं के बीच अपने इस अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब मौनी महाराज 11,000 रुद्राक्ष की माला पहनकर मेले में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कोई माला 11 रुद्राक्ष की होती है, कोई 21, 51 और 108 रुद्राक्षों की भी होती है। तो बाबा के शरीर पर तो रुद्राक्ष रहते ही हैं और इसके साथ ही करीब 100 माला वो अपने सिर पर भी बांधे रहते हैं। तो इनमें से देखिए कई रुद्राक्ष एक मुखी हैं तो कई 16 मुखी, और इन रुद्राक्षों की खासियत जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ जनाब, मौनी बाबा के तन पर मौजूद प्रत्येक रुद्राक्ष माला उनकी खरीदी हुई बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिद्ध पुरुषों और महात्मा द्वारा भेंट की गई है। मौनी बाबा ना सिर्फ कभी खरीदे हुए रुद्राक्ष पहनते हैं, ना ही किसी से रुद्राक्ष माला वो मांगते हैं। हालांकि इन्होंने यूपी चुनाव को लेकर अभी हाल फिलहाल में जो भविष्यवाणी की थी उसको लेकर इनका कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। संत समाज की ओर से फिर से ये संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि जो राम लल्ला के काम आएगा, जो देश के काम आएगा, संत समाज उसके साथ खड़ा है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि 452 वर्षों बाद राम मंदिर का जो सपना हम सब लोगों ने देखा है, जिसे साकार होते हुए देखा गया है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। काशी विश्वनाथ का जो दिव्यतम दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। आने वाले समय में मथुरा मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा हम सबको मुख्यमंत्री का संकेत मिला है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि सारे संत, राष्ट्रभक्त, राम भक्त, गौ भक्त, गंगा भक्त और भारतीय सपूत फिर से रामलला के लिए मतदान करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार में फिर से संतों की, राष्ट्रभक्तों की सरकार आएगी। तो भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए डिंपल यादव ने जिस तरह से भगवे की तुलना जिस तरह से उन्होंने जंग से की है, क्या वो सही और गलत है? प्लीज़ अपनी राय में ज़रूर दीजिएगा। और भगवा से आप क्या समझते हैं, इसे आप किन चीज़ों से जोड़ते हैं, ये भी बताइए। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है।